खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज नारनौंद में भी खास असर देखने को मिला। नारनौंद के सरकारी महकमों के लगभग सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर। नारनौंद शहर की हड़ताल के चलते सुबह से लाइट है बंद। नारनौंद का बस स्टैंड भी है सुनसान, नहीं चल रही रोडवेज की कोई बस। सिंचाई विभाग के सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल। नारनौंद नगर पालिका के सफाई कर्मचारी व फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हड़ताल में हुए शामिल। राष्ट्रव्यापी जो जन संगठनों की हड़ताल है उसमें नारनौंद ब्लॉक भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। और जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, निजीकरण को बंद किया जाए, विभागों को बेचना बंद किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, रोडवेज के अंदर जो नई किलोमीटर स्कीम लाई जा रही है उसको रोका जाए, इन्हीं अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। और उसमें नारनौंद के सभी कर्मचारी पूरे जोश और खरोश के साथ भाग ले रहे हैं, उसका नमूना जो है वो आपके सामने है। और हम ये आश्वासन देते हैं आपको और हमारे संगठन को भी कि यदि सरकार इसी प्रकार से ये दमनात्मक कार्रवाई चलाती रही तो नारनौंद का एक एक कर्मचारी सड़क पे होगा और उस आगामी कार्रवाई के लिए वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी। और आज फिर हम इसमें आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सरकार जन विरोधी नीतियाँ लाना बंद कर दे, अन्यथा इसका परिणाम इस वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं योगेंद्र सिंह, सचिव सर्व कर्मचारी संघ नारनौंद। हड़ताल की जा रही है, ये राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल है जिसमें जो हमारे मुख्य मेहनत करके जो संगठन है 10 संगठन 10 के 10 एक BMS को छोड़ के सभी संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारे जो सेंटर के नेताओं का हमने आश्वासन दिया था लगभग मतलब 40 करोड़ आदमी आज हड़ताल पर हैं। और आज सरकार को पता चल जाएगा, जो इसका घमंड था कि हम हर जगह सरकार बना लेंगे सारे इंडिया में, मतलब भाजपा सरकार होगी, इसका नमूना आपके सामने है। जो कर्मचारी जो फैसले विरोधी फैसले ले रही है BJP की सरकार, उसके नमूने आपके सामने महाराष्ट्र में भी देखा, पीछे हरियाणा में भी चुनाव देखा। और अगर सरकार इसी प्रकार कर्मचारी और विरोधी आम जन विरोधी नीतियाँ लागू करती रही तो आने वाले समय में इनका जो ये कहते थे हम 72% पर मतलब अपना राज कर लिया, आज वो 72 से घट के 42% रह गया, तो धीरे धीरे 2% पर 5% पर रह जाएगा और आने वाले दिल्ली विधानसभा में के चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब से सरकार आई थी जितने वादे लेकर आई थी उसमें कोई भी वादा आम जनता के लिए इन्होंने लागू नहीं किया, बल्कि आम जनता का शोषण किया है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और गरीब किसान मजदूर कर्मचारी का इसने कुछ भी नहीं किया, जिससे आम जनता में इसके प्रति रोष है और इसका खामियाजा आने वाले समय के चुनाव में इसको ज़्यादातर भुगतना पड़ेगा। कितने कर्मचारी संगठन आज नारनौंद में भाग? आज हमारे मतलब जो लगभग संगठन है विभाग है उसमें लगभग क्लरिकल से लेके बिजली बोर्ड, अध्यापक संघ, नगर पालिका, अग्निशमन,
पैक्स लगभग मतलब कर्मचारी इसमें मतलब हड़ताल में शामिल हैं। बिजली बोर्ड का टोटली कर्मचारी मतलब इसमें शामिल है। ठेकेदारों के द्वारा बिजली चलाई जा रही है, हमारा मतलब कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा। कर्मचारियों का के जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे हैं, समान काम समान वेतन का विरोध कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, सरकार गलत है। इनका हम तय दिल से, भारतीय किसान इनका तय दिल से, तन मन धन से, तीनों चीज़ों के साथ इनके साथ खड़ी है।